गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर लेसन नंबर 7 गौरवशाली भारत में स्वाधीनता के लिए राजनीतिक प्रयास चैप्टर का नाम है। उसमें हम कांग्रेस की स्थापना और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 28 वर्ष बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक संस्था की स्थापना की गई वो इटावा में की गई। इसकी स्थापना इटावा के जो डिप्टी कलेक्टर थे A.O. ह्यूमन ने की थी। वास्तव में भारतीयों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बनाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी के लिए इसको बनाया गया था। उनकी बैठकों का प्रारंभ भी अंग्रेजों के राष्ट्रगीत से होता था। प्रारंभ में इनके नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे आदि थे। तीन थे इनके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद हम जानेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के लगभग 20 इयर्स के बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 को हुआ था। उनका स्वभाव गंभीर, अध्ययन विशाल और आचरण निर्भीक था। वह बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के मेधावी छात्र रहे थे। वे अंग्रेजों से प्रार्थना करके कुछ सुविधाएं और स्वतंत्रता मांगने के विरोधी थे। उन्होंने घोषणा की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। लोगों में देश की भक्ति का भाव और एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिव साम्राज्य दिवस मनाने का प्रारंभ किया। अपने केसरी नामक समाचार पत्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक लेख लिखे। उन्होंने युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए भी बहुत प्रेरणा दी। क्रांतिकारी उनको अपना गुरु मानने लगे थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्लित चंद्र चाकी और चापेकर बांधू आदि क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखने के कारण उनको 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा भी दी गई थी। उन्हें अंग्रेजों ने रंगून की मांडले जेल में भेज दिया गया था। जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। वह जीवन भर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। सन 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों, तेजस्वी बुद्धि, परिश्रम के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। इस प्रकार उनका बहुत बड़ा भारतीय स्वतंत्रता में योगदान रहा। कल हम बाल, पाल और बाल के बारे में पढ़ेंगे।